रहमान यूनाइम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई केयर फाउंडेशन की जानिब से नवीद बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक साथी आए हैं, ये साथी जो हैं बहुत मुश्किल में फंसे हैं फाइनेंशियली, तो रिक्वेस्ट लेके आए हैं, इन्हीं की ज़ुबानी पूछेंगे इनको क्या चाहिए। तो ऑलरेडी हमें इनकी गाड़ी रिपेयर करा के दिए हैं केयर फाउंडेशन की जानिब से, आपकी सपोर्ट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कहना चाहेंगे खबर में? अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा परेशान हूँ, पहले से भी थोड़ा आई केयर से मुझे मदद मिली है। पहला पहली डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा हुआ था, तो मैं बहुत परेशान था। तो तब आई केयर के पास आया था, तो मोहसिन साहब और नवीद साहब ने सारे मिलकर मुझे मदद किए हैं। और अभी दूसरी डिलीवरी हुई तो हालात तो अच्छे चल रहे थे, अभी एकदम से हालात बिगड़ गए और मेरी गाड़ी एकदम से रिपेयर हो गई। और मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ अभी, बहुत घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। और घर का भाड़ा 3 महीने का नहीं बांध कर हूँ, जो 15,000 रुपये है, और कर्ज वर्ज लेकर हूँ 30,000 के ऊपर चला गया है। तो मैं 25 से 30 तक की मदद आई केयर से पूछ रहा हूँ, ताकि मुझे थोड़ा मेरे हालात संभल जाए और मैं थोड़ी मेरी परेशानी से निकल जाऊँ, और मेरे दूसरे बच्ची का जो है वो भी थोड़े खर्च मैं निकाल सकूं। बहुत मुश्किलात में हूँ, थोड़ी सी मदद फरमाएं, मैं बहुत दुआ करूँगा। तो ये खबर भी थे, इनके 25 से 30 हज़ार रुपये इनको सख्त ज़रूरत है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि इनकी कोई मदद करना चाहें तो ज़रूर से करें। ये बहुत मुस्तैक हैं, वेरीफाई किया गया है केस। जज़ाकअल्लाह खैर, आई केयर फाउंडेशन बैंगलोर।